गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड में परमार्वश वापस। देखिए पिछली बार हम ये पढ़ चुके हैं, जो आपका ललित शाह हुआ करता था, ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण करा था और कुमाऊं पर आक्रमण करने के बाद ललित शाह ने क्या करा था, यहाँ पर अपने लड़के प्रद्युम्न चंद को गद्दी पर बिठा दिया था। और बाद में जब हमने पढ़ा था उसमें क्या हुआ करता था, आपका जो ललित शाह था वो आपका युद्ध किया था और उसके बाद वापस लौटते वक्त उसकी आपकी मृत्यु हो गई थी। अब बात ये होती है कि जब उसकी मृत्यु होगी उसकी गद्दी पर कौन बैठा, प्रद्युम्न चंद तो गद्दी पर बैठ गया कुमाऊं पर, अब यहाँ पर गद्दी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा जयकृत शाह। चलिए जयकृत शाह के बारे में पढ़ते हैं। जयकृत शाह कब से कब तक, 1780 से 1786, कौन से नंबर का राजा, 53 का नंबर का राजा। क्या पढ़ रहे हैं हम, गढ़वाल बस पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके पिता का नाम तो ललित शाह था, इसकी माता का नाम क्या था, इसकी माता का नाम था चंपई देवी। क्या नाम था, इसकी माता का नाम था चंपई देवी। अब पिछली बार हम ये जान चुके हैं कि जब प्रद्युम्न चंद हुआ करता था वो कुछ कर दिया करता था परमार्वश को, मतलब गढ़वाल को कुछ कर दिया करता था, लेकिन जैसे ही ललित शाह मरा तो उसने कर देना बंद कर दिया। अब इस चीज से कौन चिढ़ गया, इस चीज से जयकृत शाह चिढ़ गया, क्योंकि गद्दी पर तो वो बैठ चुका है। तो इसने क्या करा, उधर कौन था जिस समय जयकृत शाह आपका बैठा, उससे पहले कौन था वहां पर, उससे पहले वहां पर मोहनचंद था, कौन था, मोहनचंद। तो इसने क्या करा, जयकृत शाह ने मोहनचंद को भड़काया, कब भड़काया, और कहा कि उस पर आक्रमण करो, तुम्हारा राज्य उसने छीन रखा है। तो मोहनचंद ने सन 1780 में इस पर आक्रमण करा, किस पर, आपके प्रद्युम्न चंद पर। आप देख रहे हैं आप, ये है तो देसी का भाई पर ये सोतेला भाई था, ये इसे चिढ़ता था। तो जब आक्रमण करा तो प्रद्युम्न चंद तो जीतना ही था, वो तो बड़ा राजा है। तो उसने मोहनचंद के बारे में जानकारी ली, उसे पता लगा कि जयकृत शाह ने इसे भड़काया। तो मोहनचंद ने क्या करा, इधर फिर आक्रमण करा गढ़वाल पर और इसके देवलगढ़ और श्रीनगर को जीता। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार प्रद्युम्न चंद ने कब आक्रमण करा, 1780 में आक्रमण करा और आपके देवगढ़ और श्रीनगर को जीता। उसका भाई तो भी वापस छोड़ के अपना वापस आपको कुमाऊं में चला गया। ठीक, और आज की जो स्टोरी है दिलचस्प पढ़ते रहिएगा ध्यान से। ठीक, अब जयकृत शाह के समय में हो क्या रहा था, जयकृत शाह के समय में यह हो रहा था कि इसके ग्रह कलेश चल रहा था। ग्रह कलेश क्यों चल रहा था, इसके समय में इसमें दो बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, एक तो डोभाल एक खंडूल, दो बड़े मंत्री दल हुआ करते थे। ये दोनों आपस में क्या नाम है, झगड़ा चल रहा था और इसी में एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था कर्पराम डोभाल। जो ये कर्पराम डोभाल हुआ करता था ये इसका अमात्य मतलब प्रधानमंत्री हुआ करता था और इसने यहां पर इतना ज्यादा अति कर दी थी कि अगर इसके कोई खिलाफ बोला करता था ये क्या करा करता था, ये उसे गर्दन कटवा दिया करता था। अब इस चीज से परेशान कौन हो चुका था, जयकृत शाह परेशान हो चुका था। तो इसी का दरबार में एक दल था जिसका नाम था नेगी दल। इस नेगी दल ने क्या करा, दून से श्रीनगर का जो गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था घमन सिंह मियां, उसे आमंत्रण दिया। और इस घमन सिंह मियां ने आते ही दरबार के अंदर इस कर्पाराम डोभाल की गर्दन उड़ा दी। इसी से प्रसन्न था, अब जब उड़ा दी तो इस घमन सिंह मियां ने सबसे पहले तो क्या नाम है, इसका कोषागार लूटा, क्योंकि सैनिकों को वेतन नहीं दिया था। तो इसने उस कोषागार को लूटकर सैनिकों को वेतन दे दिया। देने के बाद घमन सिंह मियां अब यहां पर अपना राज चलाने लगा। अब देखिए क्या हुआ, घमन सिंह मियां इसका मतलब कि खूंखार था, ठीक है, गवर्नर था। तो अब ये जयकृत शाह घमन सिंह मियां का क्या बन गया, हाथ की कठपुतली बन गई। अब फिर परेशान जयकृत शाह, क्यों, जयकृत शाह था एक कमजोर राजा। अब इसके दरबार में रहा करता था मौलाराम, कौन रहा करता था, मौलाराम। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अब थोड़ा सा देखिए, अगर आपको हल्का सा याद हो, जो सिरमौर था वो हुआ करता था पहले वहां पर मानधाता प्रकाश, शुभंग प्रकाश, फिर रुद्र प्रकाश, अब आएगा जगत प्रकाश। तो इसने क्या करा, मौलाराम को कहा कि मेरा एक मित्र है जगत प्रकाश,
कहाँ का राजा? सिरमौर का राजा। उसके लिए पत्र लिखो कि मैं यहाँ परेशान हूं और मुझे इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए। और इसने जब लिखा तो इस जो पत्र को लेकर कौन गया, इसका एक वफादार हुआ करता था धनी राम, तो ये धनी राम इस पत्र को लेकर गया। चलिए अब ये पत्र पहुंचा किसके पास, जयकृत प्रकाश के पास। और जगत प्रकाश के पास जब पहुंचा तो जगत प्रकाश की मदद के लिए चल पड़ा। अब जब चल पड़ा तो दिक्कत ये आती, प्रद्युमन चंद गढ़वाल का ही था, ठीक है, तो उसे ये डर था कि कहीं जगत प्रकाश और जगत प्रकाश क्या करे इस जयकृत शाह को हराकर इस गढ़वाल पर राज न कर ले। तो इसका मतलब ये होगा कि इसे जगत प्रकाश आ तो रहा था घमंड सिंह मियां को हटाने, लेकिन इसका सामना कौन करेगा, प्रद्युमन चंद करेगा। अब देखिएगा, चलिए अब हम एक युद्ध करवाते हैं इनका, जिसका नाम है कपरोली युद्ध। कपरोली युद्ध कब होगा? कपरोली युद्ध सन 1785 में। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कपरोली युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? जयकृत शाह और जगत प्रकाश, ठीक है। इसका सामना किसने कराया? इसका सामना करा आपका प्रद्युमन चंद ने, क्योंकि प्रद्युमन चंद ये नहीं चाहता था बिल्कुल भी कि उसके भाई को हराकर सिरमौर का राजा गद्दे पर बैठे, उसे डर था, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में प्रद्युमन चंद को हारना पड़ा। क्यों हारना पड़ा? क्योंकि जब इन दोनों का आक्रमण हुआ तो उसकी जो सेना थी, गढ़वाल का था वो भी राजा, ठीक है, उसकी जो सेना हुआ करती थी वो हार रही थी, मर रही थी, तो उसने हारना पसंद करा। और यहाँ पर कौन आ गया? जगत प्रकाश। किसकी मदद के लिए आ गया? जयकृत शाह की। और आकर जगत प्रकाश ने आते ही घमंड सिंह मियाँ का वध कर, और बागडोर वापस किसके हाथ में आ गई? बागडोर वापस जयकृत शाह के हाथ में आ गई। अब मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, हम पढ़ रहे हैं ललित शाह का लड़का जयकृत शाह। उधर तो ललित शाह ने इधर युद्ध करा था बगवाल पोखर का युद्ध, उसमें अपना लड़का प्रद्युमन चंद गद्दी बैठा दिया था और वापस आते हुए मर गया था। और जो मर गया था तो इसके यहाँ पर लड़का बैठा जिसका नाम था जयकृत शाह, 80/86 और कौन से नंबर का है, 53 नंबर का राजा। जब हमने स्टार्ट करा तो हमने देखा कि इसकी माता का जो नाम हुआ करता था ज्योति देवी हुआ करती थी। इसके दरबार में आपके दो बड़े बड़े दल रहा करते थे, एक का नाम था डोबाल, एक का नाम था खंडोरी। आगे जब हम चले तो इसके समय में इसने मोहनचंद को उसकाया, उसने पद्मन चंद पर आक्रमण करा, पद्मन जीता और पद्मन चंद ने वापस आक्रमण करा देवगढ़ और श्रीनगर पर आक्रमण जीता। अब हम देखते हैं कि इसके समय में कि कपराम डोबाल ने अति कर दी थी, तो इसे किसने वध करा? घमंड सिंह मियां ने वध करा। इधर से इसने किसको बुलाया? जगत प्रकाश को बुलाया और जगत प्रकाश ने घमंड सिंह मियां को मारा। और अब कहानी आगे चली। चलिए अब देखिए 1783, ये कब से कब तक? 1780 से 1786 में हमें देखने को मिलता है सिखों ने आक्रमण कर दिया यहां पर, किस पर? गढ़वाल पर। तो सिखों ने आक्रमण करा, अब जो सिखों ने आक्रमण करा हारेगा कौन? जयकृत शाह हारेगा। जब जयकृत शाह हारा तो सिखों ने ही कहा कि या तो आप हमें 4,000 रुपए वार्षिक कर दो या फिर आप राखी कर दो। राखी कर क्या था? उपज का 1/5, ठीक है। और जयकृत शाह ने कहा ठीक है हम देंगे, लेकिन आप दोबारा आक्रमण नहीं करना। इसका मतलब इसे समझिए आप, जयकृत शाह बहुत ही कमजोर राजा है, ठीक। फिर जयकृत शाह के ऊपर ही आपको हर कहां से याद होगा, इधर कौन था? हर्षदेव जोशी। इसने कहां पर दिया था? किसको? ललित शाह को। तो हर्षदेव जोशी ने 1785 में गढ़वाल, देवलगढ़ और श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर जो ये मतलब आक्रमण करा, जो ये लूटपाट हुई, इस कांड को जोशियानी कांड के नाम से भी जानते हैं। किस कांड से जानते हैं? इसे जोशियानी कांड के नाम से भी आपका जाना जाता है। याद रखिएगा किस नाम से? जोशियानी कांड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जोशियानी कांड कब हुआ था? 1785 में हुआ था। किसने आक्रमण? हर्षदेव जोशी द्वारा कर दिया गया आक्रमण। चलिए कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हल्का सा याद हो, दून घाटी पर सबसे पहले रोहिलो ने आक्रमण कब करा था? 1757 में किया था। और अब कब करेंगे? 1786 में करेंगे। कौन करेगा? गुलाम कादर। तो गुलाम कादरी ने देहरादून पर, ये कौन था? रोहिले हुआ करता था। इसने दूसरा आक्रमण करा 1786 में और जीता। और जीतने के बाद दून क्षेत्र किसने जीत लिया? गुलाम कादरी ने जीत लिया। और गुलाम कादरी तो चले गया और यहाँ पर गद्दी पर किसे बिठा गया? यहाँ पर उमेद सिंह को गद्दी पर बिठा गया। जो ये युद्ध है ना, आपको याद रखना है कि युद्ध बार बार पूछे जाते हैं और इसी तरह आपको ये याद रखना है सीरियल में। चलिए कहानी आगे चल रही है, जयकृत शाह हार रहा है, तो प्रद्युमन चंद को पता लग गया कि भाई ये गद्दी संभालने के लायक नहीं है राजा,
क्यों नहीं है? क्योंकि इसके समय में बहुत आक्रमण कर रहे हैं और इसके समय में कुछ नहीं हो पाएगा और ये अपना राज्य किसी और को सौंप देगा। अब देखिए अब होगा क्या, 1785 के अंतिम आखिरी समय, तो हमें याद है कि देवलगढ़ इनकी कुल देवी हुआ करती थी, तो देवलगढ़ ये चले गया कौन, जयकृष्ण, और उसी समय फायदा उठाकर पर्तुबंचल ने आक्रमण कर दिया और 3 महीने तक यही रहा। तो मतलब कि जो जयकृष्ण शाह था, अच्छा ये वाली बात किसने बताई कि क्या नाम है वो चलेगा, तो इसका जो हितेशी हुआ करता था धनीराम, ये बात धनीराम है। अब इसने देखा कि इसका जो हितेशी है, जो इसका वफादार है, उसने भी इसे धोखा दे दिया और धोखा देने कर धनीराम से रुष्ट हो गया और ये कहाँ चले गया, ये अपना जो कुलदेवी थी, अभी पढ़ा था मैंने आपको, ये पहले कुलदेवी गया था और कुलदेवी के बाद ये कहाँ पर चले गया, ये रघुनाथ मंदिर चले गया। किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं आपके जयकृष्ण शाह की, कि जयकृष्ण शाह कुल देवी गया हुआ था पूजा करने के लिए और ये बात किसने बता दी, धनीराम ने बताया पर्तुबन चल, पर्तुबन चल ने आक्रमण करा और कुछ ये कहा जाता है कि 3 महीने ये ही पर रहा, ठीक है। और उसके बाद जब ये पता लगा कि इसका हितेशी जो है वो भी इसे धोखा दे रहा है, तो उसके बाद ये वापिस आया और कहां पर चले गए, रघुनाथ मंदिर में चले गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, रघुनाथ मंदिर में जब ये चले गया, 1786 की बात है, तो तभी चौथे दिन वहीं पर इसकी मृत्यु, रघुनाथ मंदिर में जब गया, ठीक है, चौथे दिन वहीं पर इसकी मृत्यु हुई और इसके साथ इसकी 4 रानियां सती हुई थी, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने परमार वंश में रानियां सती हुई है वह राजा कौन था, मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसकी कहानी तो 1786 में खत्म हो गई, ठीक। अब वापस एक बार देखते हैं, जयकृष्ण शाह के समय में सबसे पहले 1783 में सिखों ने आक्रमण करा और इसने सिखों को 4,000 रुपए या लाठी कर देने की बात करी। उसके बाद हम ये देखते हैं 1785 में यहाँ पर हसदेव जोशी ने आक्रमण करा और जोशियानी कांड हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दून घाटी में दोबारा रोहिलों को आक्रमण करा, किसने, गुलाम कालीन, वो यहाँ पर उमेश सिंह को बैठा के चले गया। फिर हमने देखा कि जयकृष्ण शाह कहाँ गया, ये अपने कुलदेवी मंदिर गया देवरगढ़, और यहाँ पर वर्धमान चलने आक्रमण की, क्योंकि इसे अपना राज्य वापस चाहिए था। उसके बाद हमने देखा कि ये कहाँ चलेगा, क्या नाम है, हताश होकर रघुनाथ मंदिर चले, चौथे दिन वहीं पर मृत्यु होगी और 1786 की बात है और इसकी रानियां 4,000 होगी, इसकी कोई संतान नहीं थी। इसका मतलब ये है कि पर्तुबन चंद वापिस आकर गद्दी पर बैठेगा। चलिए अब पढ़ते हैं उत्तराखंड में पर्तुबन चंद या पर्तुबन शाह। पर्तुबन शाह की अगर बात करें, ये 54वां राजा होगा और इसका समय कितना होगा, 1786 से लेकर 1800। ये एक ऐसा राजा है जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर राज करा। हमने पिछली बार आपको हल्का सा याद हो कि हमने बताया था कि पर्तुबन शाह का जो समय होगा उधर कितना होगा, वो होगा आपका 79 से लेकर 86। अब इस राजा को पढ़ने से पहले थोड़ी कुमाऊं की जानकारी लेते हैं, क्योंकि कुमाऊं और इनके बीच में थोड़े से, क्या नाम है, अनबन होगी, लड़ाइयां होगी, थोड़ी जानकारी लें। मोहनचंद, शिवचंद और महेंद्रचंद, देखिए 3 राजा, मोहनचंद, शिवचंद और महेंद्रचंद, जब ये आया वापिस तो 1786 से लेकर 1788 तक कौन रहा, मोहनचंद रहा। उसके बाद 1789 तक ये रहा और 89 से लेकर 90 तक ये रहा। अब क्यों बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, फिर हम परमा पे वापिस आएंगे, थोड़ा चंद वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पर्तुबन चंद जब चले गया तो यहां पर जो बागडोर हुआ करती थी वो हर्षदेव जोशी को देखते हैं कि तुम इसकी बागडोर संभालो, मैं वहां पर अपने जा रहा हूँ। हर्षदेव जोशी जब गद्दी पर आया, मतलब गद्दी मतलब उसने संभाली, राजा तो नहीं बना, तो उसका मोहनचंद के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। किसकी बात हो रही, हर्षदेव जोशी की याद हो रही है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया हिसाब है इसका। हम बात कर रहे हैं पालीगांव युद्ध, देखिए पालीगांव युद्ध कब होगा, 1786।
जब पालीगांव युद्ध 1786 में हुआ, इस पालीगांव युद्ध में हर्षदेव जोशी की अगर हम बात करें, ये क्या करेगा, अब ध्यान दीजिए। देखो हर्षदेव जोशी क्या कर रहा है, हर्षदेव जोशी यहाँ पर किसी को राजा नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता, जिससे कि यहाँ पर जो मोहनचंद है वो गद्दी पर ना बैठ सके। अब जब पालीगांव युद्ध 1786 में हर्षदेव जोशी, तो हर्षदेव जोशी और किसके बीच में हुआ, मोहनचंद के बीच में हुआ। अब हल्का सा इसमें ट्विस्ट है, आप हल्का सा याद करिए कि जो आपका पद्मनचंद हुआ करता था, इसके भाई का नाम क्या हुआ करता था, हमें हल्का सा याद है, पद्मनचंद शाह था जो, इसके भाई का नाम था पराक्रम शाह। पराक्रम शाह था जब यहां पर गढ़वाल में मरा जैकर शाह, तो पराक्रम शाह गद्दी पर बैठना चाहता, पर इसने देखा कि इसका जो बड़ा भाई है वो गद्दी पर बैठ गया, इसे तो कुछ मिला ही नहीं, तो इस पराक्रम शाह ने साथ दिया किसका, मोहनचंद, और हर्षदेव जोशी को हरा दिया। तो गद्दी पर कुमाऊं गद्दी पर कौन बैठ गया, मोहनचंद गद्दी पर बैठ गया। ध्यान दीजिएगा दूसरा गांव, दूसरा युद्ध उल्कागढ़ युद्ध। उल्कागढ़ युद्ध हुआ 1788, इसमें हर्षदेव जोशी गढ़वाल से बड़ी सेना लेकर आया और मोहनचंद को हरा दिया, खत्म कर दिया। अब हर्षदेव जोशी के हाथों में कुमाऊं की बागपत। हर्षदेव जोशी ने कहा पद्मनचंद शाह को कि आइए राजा आप बैठ जाइए। पद्मनचंद शाह ने कहा नहीं, मुझे मेरे गढ़वाली पसंद है, मैं गढ़वाल में रहूंगा, तुम अपना राज्य खुद देख लो। अब इसने क्या करा, इसने शिव सिंह रोतेला को शिवचंद के नाम से गद्दी पर बिठा दिया, ये कठपुतली राजा था। ठीक, उसके बाद शिवचंद के बाद याद रखिएगा कि एक लाल सिंह, इसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लाल सिंह की। लाल सिंह, ठीक है, लाल सिंह कौन था, लाल सिंह मोहनचंद का भाई हुआ करता था। तो लाल सिंह ने क्या करा, 1788, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि लाल सिंह ने क्या करा 1788। लाल सिंह ने क्या करा 1788 में इस शिवचंद के साथ युद्ध करा, याद रखिएगा इसके अनुकूला इस शिवचंद के साथ युद्ध करा 1788 में, और बरेली के जो नवाब था फजुल्ला का, उसकी सहायता मांगी और यहां पर पराक्रम शाह से सहायता मांगी। अब कौन जीतेगा, सिंपल करा, लाल सिंह ने मोहनचंद के लड़के महनचंद को गद्दी पर बिठा दिया तीसरे युद्ध में। अब गद्दी पर कौन है, अब गद्दी पर महनचंद है। हर्षदेव जोशी तो मतलब ही नहीं बैठता, तो हर्षदेव जोशी किधर आ गया, गढ़वाल में, और गढ़वाल के राजा जो आपका हुआ करते थे पद्मनचंद शाह, इन्होंने इसे पेडलशू की जागीर दी, और जागीर देने के बाद क्या करा, उसे कहा कि अब तुम ही हेरो। लेकिन हर्षदेव जोशी मानने वाला मुझे थोड़ा ही है, हर्षदेव जोशी ने इधर नेपाल के राजा को आमंत्रण दिया और कहा कि हमारा राज्य कमजोर है, इस पर आक्रमण कर दो। और 1790 में गढ़वाल के जो सेनापति, नेपाल के जो सेनापति हुआ करते थे अमर सिंह तापा और हस्तिदल चौधरिया, उन्होंने महनचंद पर आक्रमण करा, और 1790 में जो आपका कुमाऊं हुआ करता था वो नेपालियों ने क्या नाम है, हड़प लिया। ये तो बात चल रही है किसकी, आपकी कुमाऊं की बात चल रही है। अब गढ़वाल पर वापिस आते हैं, अब देखिए गढ़वाल में हो गया 1790 में तो ले लिया उन्होंने, अब उन्होंने 1791 में पद्मनचंद शाह पर भी आक्रमण किया, ठीक है, और लंगूरगढ़ पर अपना डेरा डाल लिया। की बात कर रहे हैं 1791 की बात कर रहे हैं, और लंगूरगढ़ की जब संधि हुई, संधि कब होगी 1792 में होगी, और कहा कि आप 25,000 रुपए देंगे हमें, तब जाके ये नेपाली माने कि हम गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। किसकी बात हो रही है, यहां पर पद्मनचंद शाह की बात हो रही है, कि पद्मनचंद शाह के ऊपर भी नेपाल आक्रमण करा 1791 लंगूरगढ़ पर, संधि कब हुई 1792 में, 25,000 रुपए देने की बात हुई। चलिए कहानी आगे चले, अब ये तो ताक में थे, अब ये बैठ गए हैं ताक में नेपाली, कि हम हर हालत में गढ़वाल को आक्रमण करके इसे हड़प कर रहेंगे। अब देखिए इसमें होगा, अब 1795 में यहां पर क्या हुआ, अकाल पड़ा। इस अकाल को 91 और 92 के नाम से भी जानते हैं। 91 और 92 का मतलब यही है कि दुर्भिक्ष, मतलब कि क्या नाम है, अकाल पड़ गया, ठीक है। अब दूसरी बार 1803 में आता है भूकंप गढ़वाल में, ठीक है। अब जो रिएक्टर हुआ करता था, उस रिएक्टर की माने तो ये रिएक्टर कहता है कि 9 रिएक्टर स्केल में नापा गया, और उत्तरकाशी में 6 हुआ करता था, और इसका जो मतलब केंद्र बिंदु हुआ करता था वो बैद्यनाथ था। अब इसमें हुआ क्या, इस समय गढ़वाल की जो सैकड़ों थे लोग थे वो मर गए, मानो कि 100 में से सिर्फ 20-25 लोग ही बचे, इस प्रकार आपके सैकड़ा में से 20-25 लोग बचे। अब देखिए गढ़वाल वैसे ही हिल गया 1803 में, तो इसी फायदा उठाकर
नेपाल के जो सेनापति हुआ करते थे अमर सिंह तापा और हस्तिदल चौतरिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया गढ़वाल के ऊपर। अब दो आक्रमण आपको याद रखने हैं सन 1803 के, एक बाड़ाहाट का युद्ध और एक चंबुआ का युद्ध। कौन कौन से? बाड़ाहाट का युद्ध और चंबा या फिर चंबा का युद्ध 1803 में, और इस युद्ध में नेपाली जीत गए, पर कोई मतलब आधिकारिक जीत नहीं थी। अब क्या होगा, जो प्रद्युम्न शाह होगा, यहाँ पर तो त्रासदी हुई है, ठीक है, यहाँ की जो क्या नाम है भूकंप के कारण सब तोड़ फोड़, तो ये अपनी चीजें जो कीमती चीज होना चाहिए वो बेचेगा सहारनपुर में और पैसा इकट्ठा करेगा ताकि भर्ती करे लोगों को अपनी सेना में, और युद्ध किससे, और नेपालियों से। इधर ये किधर के पास है, गुज्जर राजा हुआ करता रामदयाल सिंह, यहीं पर अपना, आप सभी को पता है लक्सर के पास एक जागीर पड़ती है, उस जागीर लंडोरा जो जागीर है, उस लंडोरा जागीर के राजा हुआ करते थे गुज्जर राजा रामदयाल सिंह, और उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए इन्हें 12,000 सैनिक दिए कि जाइए सेना में शामिल होइए और लड़िए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा अब एक आखिरी युद्ध होगा नेपाल के अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के बीच और इधर प्रद्युम्न शाह के बीच। अब 14 मई सन 1804 की बात करते हैं, चौदह मई 1804 इधर कौन, प्रद्युम्न शाह और रामदयाल सिंह के 12,000 सैनिक, कितने 12,000 सैनिक, और इधर कौन थे, इधर आपका अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया नेपाल के। अब जीतेगा कौन, कहां हुआ, खुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में, खुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में ये युद्ध होगा, और इसमें जीतेगा कौन, सिंपल सी बात है, आपके नेपाल के जो सेनापति हुआ करते थे अमर सिंह थापा हस्तिदल चौतरिया जीतेंगे और आपका प्रद्युम्न शाह हार जाएगा। प्रद्युम्न शाह के साथ और कौन कौन था, पराक्रम शाह था, प्रीतम शाह था, सुदर्शन शाह था, और इतने सारे राजा मतलब कि जो साथ के थे वो होने के बावजूद भी प्रद्युम्न शाह हार गया। इसके भाई भी इसके साथ था, इसका लड़का भी इसके साथ था, फिर भी ये हारा, और अब इसमें भी किसका आक्रमण हो गया, इसमें भी आपके नेपाली हो गए। याद रखिए कुमाऊं को नेपालियों ने 1790 में हड़पा, और यहाँ पर इन्हें गोरखा कहते हैं, और यहाँ पर इन्होंने 1804 में। अब बात ये तो परमावश करो नाश हो गया, अब कैसे होगा, अब हम अगली बारी थोड़ा सा फ्लैशबैक देखेंगे कि कौन सा अंग्रेज जीतेगा, उसके बाद यहाँ पर कौन सा गोरखा आखिरी होगा, और लास्ट में फिर परमार्मस वापस शुरू कर देंगे सुदर्शन शाह से, ठीक है। और देखिए आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ा क्योंकि ये खत्म होना बहुत जरूरी था आजकल, इसमें सन बहुत सारे थे, आप क्या करिएगा इन सनों को अच्छी तरह याद करिएगा, सारे युद्ध अच्छी तरह याद करिएगा, और अगली क्लास में जब हम परमार्मस पढ़ेंगे तो हम सुदर्शन शाह से शुरू करेंगे। पहले आपको हल्का सा फ्लैशबैक देंगे कौन सा गोरखा आया, कौन सा अंग्रेज आया जिसने ये कुमाऊं और गढ़वाल को वापस गोरखों से छीना, और उसके बाद फिर वापस परमार्मस को गद्दे पे बिठाया और टिहरी टिहरी रियासत को वापस लाया। याद रखिएगा इनकी अभी तक राजधानी चल रही है श्रीनगर, तो आखिरी राजा कौन है, प्रद्युम्न शाह है, क्योंकि अब श्रीनगर रहेगी नहीं, टिहरी आएगी, अब टिहरी रियासत आएगी और उसमें पहला राजा ही सुदर्शन शाह आएगा। सुदर्शन शाह किसका लड़का होगा, प्रद्युम्न शाह का होगा, लंबी कहानी है, अगली बारी पढ़ेंगे। और याद रखिएगा मात्र 2-3 लेक्चर में या 3-4 लेक्चर में हमारा परमार्थ खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, जय हिंद।